गुड इवनिंग सर। सर माइक ऑफ है आपका। हेलो। हेलो यस सर। यस यस क्या हो रहा है तुम्हारे ये बनो पहला कि फाइंड लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट ऑफ दिस हाइपरबोला। इस हाइपरबोला के किसी भी टेंजेंट पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस क्या होगा। नॉर्मल बता दिया ना। करना देखो यही कौन सा देखो
So, find locus of foot of perpendicular drawn from center. You know, center says hyperbola ke. Locus of foot of perpendicular from origin. Origin kya ho gaya? Center hi ho gaya. Center to this hyperbola. ठीक है ना, locus of foot of perpendicular निकालना. तो यहाँ पर बोला है, ठीक है ना, और कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करो. मान लीजिए टेंजेंट है, ठीक है ना, तो इधर से ऐसा नॉर्मल जाएगा, टी से टेंजेंट है, एन से नॉर्मल है, ये ओरिजिन है, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पी, इसका लोकस निकालना, इसको अल्फा बीटा मान लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा. तो ये दोनों पैरेलल होगा, है ना, ये जो स्लोप है आर पे, मान लो टेंजेंट लिखा, और ये दोनों का स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएगी, दोनों पैरेलल होगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, सेम आएगा. अब क्या लिखोगे यहाँ से, नॉर्मल एंड टेंजेंट एट इन, ये जो है क्या नाम है, इक्वेशन ऑफ ओपी, ओपी की इक्वेशन क्या होगी, ओपी की इक्वेशन बोलो, देखो ऐसे लिख सकते हो, देखो नॉर्मल एट पी आर, नॉर्मल एट आर, आर के इक्वेशन ए sec थीटा बी tan थीटा, तो इस पे जो नॉर्मल की इक्वेशन होगी वो कितनी होगी, ए एक्स cos थीटा प्लस बी वाई cot, ठीक है ना, बी वाई cot थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सेम हो जाएगा ना, दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल है तो कितना आएगा, ओपी की इक्वेशन क्या होगी, ओपी की इक्वेशन बी एक्स माइनस ए वाई साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, ये होगा पैरेलल है तो स्लोप सेम आएगा ना, तो स्लोप स्लोप उसका निकालेंगे, इस लाइन का अगर स्लोप लिखोगे तो इसका जो स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो स्लोप कितना होगा, कॉस बाय कॉट माइनस कॉस थीटा बाय कॉट थीटा, ठीक है ना. ठीक है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस कैसे लिखते हैं, ओपी की इक्वेशन पैरेलल होगा ना दोनों, नहीं पैरेलल हो जाएगा ना, इस लाइन पे कोई लाइन है उस पे परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करो, यहाँ ड्रॉ करो, दोनों तो क्या होगा, पैरेलल लाइंस नहीं हो जाएंगे, तो ये और ये पैरेलल है ना, तो स्लोप दोनों का सेम होगा ना, तो इसका आरएन की जो इक्वेशन होगी, नॉर्मल की इक्वेशन कल बता रखा ना, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है पैराबोला पे, ए स्क्वायर ए एक्स बाय sec थीटा प्लस बी वाई बाय tan थीटा, तो उसी से लिखा है ए एक्स बाय cos थीटा इतना, तो ये हो जाएगा, तो स्लोप आ गया माइनस साइन थीटा, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, ओपी का, ठीक है ना, ओपी की इक्वेशन निकाल के ले जाके उसमें रख देंगे पहले वाले से. अच्छा यार, अगर ऐसे नहीं जाना है तो इससे भी सिंपल ये कर लो, टेंजेंट से ही जाते हैं ये फालतू का, नॉर्मल से कह के ले जाएंगे, इससे भी बन जाता है, हम नॉर्मल से पैरेलल ले ले रहे हैं, ऐसे लिखो स्लोप सीधा टेंजेंट से जाओ, स्लोप ऑफ या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये बेसिक से बताया निकालने के लिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन एट आर, आर का कोऑर्डिनेट तो मान लेते हैं ए sec थीटा बी tan थीटा, इस पे जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो कितनी होगी, x by a sec थीटा, sec थीटा माइनस y by b tan थीटा इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा, है ना.
अब इसके परपेंडिकुलर लाइन या ऐसे करो पासेस थ्रू है ना, अब ये जो है पास कहाँ से कर रहा, पी पी से पास कर, सेटिस्फाई करेगा माइनस बीटा बाय बी टेन थीटा इज इक्वल टू वन, इसको एक इक्वेशन मान लो हो गया। अब स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होगा, स्लोप ऑफ ओपी इनटू स्लोप ऑफ आरटी जो टेंजेंट है ना, इसका स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा माइनस वन, तो ओपी का स्लोप कितना हो जाएगा बीटा बाय अल्फा इनटू आरटी का स्लोप कितना होगा, इस लाइन का स्लोप कितना है बोलो, स्लोप कितना है टेंजेंट का बी sec थीटा बाय ए tan थीटा, इसकी वैल्यू माइनस वन होगी ठीक है ना, तो यहाँ से कुछ निकलेगा sec थीटा बाय cos थीटा, cos sec थीटा तो sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बी बीटा बाय ए अल्फा नेगेटिव के साथ, ये होगा है ना, तो sin थीटा पता चल गया, तो sin थीटा आ जाएगा तो sec थीटा की वैल्यू कितनी होगी बताना, और sec थीटा और tan थीटा की वैल्यू बोलो sec थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin की वैल्यू क्या होगी p by h, तो a alpha by under root a square alpha square plus b square beta square ठीक है ना, और tan theta की वैल्यू कितनी होगी, उल्टा हो गया क्या, रुक जाना सही से एक बार, p by कितना होगा sec theta क्या होगा, a square alpha square minus b square beta माइनस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा माइनस बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन थीटा होगा बी, तो बी बीटा बाय अंडर रूट ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर ठीक है ना, तो अब इसको पुट कर दो वन में, पुट इन वन पहली क्वेश्चन। अच्छा इसमें एक चीज ये होगा कि प्लस माइनस का दिक्कत रहेगा कि साइन थीटा निगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो स्क्वायरिंग कर लेना, तो अल्फा बाय ए इनटू ए अल्फा ठीक है ना माइनस बीटा बाय बी इनटू बी बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा, हो गया स्क्वायरिंग कर दो दोनों से, स्क्वायरिंग करोगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ठीक है ना, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ठीक है ना, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा ये, और उधर कितना बचेगा अल्फा अल्फा कट जाएगा ए कट जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये आ जाएगा, और इसका होल स्क्वायर होगा ठीक है ना, ये आ जाएगा लोकस इसका ठीक है ना, ये होगा तो मतलब लोकस क्या होगा, डेट इम्प्लाइज लोकस जो होगा वो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये होगा समझे ना, तो ये हो गया जैसे साइन थीटा नेगेटिव है तो साइन थीटा नेगेटिव किस में होगा, या तो थर्ड में होगा या फोर्थ में हो सकता है, थर्ड फोर्थ में होगा, अगर थर्ड में होगा एक चीज यहाँ पर ये है कि थर्ड में होगा फोर्थ में होगा, एक्चुअली यहाँ पर एक चीज बदलना है पड़ेगा वो ये कि एक्चुअली इन दोनों का साइन अपोजिट हो जाएगा
ठीक है ना, अगर ये प्लस माइनस होगा तो डेट विल बी माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर प्लस आ जाना अब, ठीक है, तो यहाँ प्लस होगा, एक्स वाई बदल देंगे ना, लोकस में एक्स वाई लिख लेते हैं, तो लोकस जो होगा इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर दिस, ये हो जाएगा इसका लोकस, ठीक है ना। अब एक सही होगा, प्लस का रीजन समझे ना, साइन थीटा नेगेटिव है, तो साइन थीटा नेगेटिव किसमें होगा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर सिर्फ हम नेगेटिव ले तो थीटा कौन सा होगा, थर्ड और फोर्थ, और थर्ड और फोर्थ में दोनों अपोजिट साइन का होगा, थर्ड में होगा तो टेन पॉजिटिव तो सेक नेगेटिव होगा, थर्ड में ये वाला यूज होगा, और अगर फोर्थ में हुआ तो ये वाला यूज होगा, तो चूंकि दोनों अपोजिट साइन है तो इसलिए बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो थीटा वाले में ये चीज का जैसा ध्यान रखना पड़ेगा, बस ये होगा। अब ये सब होगा लोकस का, अब ये बनना टेंजेंट्स, टेंजेंट्स आर ड्रॉन, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0 टू x स्क्वायर बाय 2 माइनस y स्क्वायर बाय 1 is equal to 1 here, yeah. Then C or C, chord of contact are concurrent at point, chord of contact कहाँ पे concurrent होगा ये बताना, C or C जो है वो कहाँ पे concurrent होगा, एक ये करो पहला और दूसरा करना, फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट, फाइंड इक्वेशन लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स ऑफ हाइपरबोला 2x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 1 ईच ऑफ विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो जो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रहा होगा, पहला कहां से पास करेगा ऑलवेज 4/15, 1/15 नहीं 4/15, 1/15 नहीं होगा, फोर
सिंपल सा तो है। दूसरे का लोकस बताना, दूसरे में लोकस बताना। देखो पहला जो है टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस टू दिस हाइपरबोला, ये हाइपरबोला होगा और कोई पॉइंट है इस लाइन पे, कोई भी लाइन है 2x plus 3y बराबर दिस जा रही होगी लाइन, 2x प्लस थ्री वाई माइनस फाइव बराबर जीरो, इस पे कोई पॉइंट ले लो और इस पे टेंजेंट्स ड्रॉ करो, ठीक है ना। तो जो सीओसी होगा इस पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे, चूंकि हाइपरबोला जो है ऐसे आगे भी जाएगा, ठीक है ना, तो जो टेंजेंट बनेगा वो टेंजेंट जो है ऐसा कुछ होगा, ये एक टेंजेंट हो जाएगा और ये ऐसा एक टेंजेंट होगा, तो इस टाइप का सीओसी होगा। तो कह रहे हैं कि सीओसी जो है वो हमेशा कहाँ से पास करेगा, तो इसको मान लो ये सीओसी है ऐसे, ठीक है ना। तो सीओसी है, तो अगर ये सीओसी है तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है ना, तो ये पोल हो जाएगा, तो ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, पोलर होगी। तो इससे भी निकाल सकते हैं ना इक्वेशन ऑफ पोलर, और बाकी जो तुम बनाओ उससे भी आएगा। पोलर की इक्वेशन क्या होगी, टी बराबर जीरो, तो डेट इम्प्लाइज टी बराबर जीरो क्या होगा, एक्स अल्फा बाय टू माइनस वाई बीटा बाय वन इज इक्वल टू वन, ये। और जो दी हुई लाइन है 2x plus 3y minus 5 is equal to 0, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल करता हूं, अल्फा बाय 2 इधर से 2 is equal to minus बीटा बाय इधर से 3 is equal to minus 1 by minus 5, तो अल्फा की वैल्यू कितनी इनटू है ये, तो माइनस अल्फा की वैल्यू 4 by 5 और बीटा की वैल्यू minus 3 by 5, तो कंकरेंट कहां पर हो जाएगा, ये जो आया 4 बाय 5 और माइनस 3 बाय 5, ऐसे ऐसे भी जा सकते थे, ठीक है ना। और दूसरा मेथड क्या होगा, एक तो इस तरह से, और दूसरा जो पहले से बनाते आए हैं वो ये कि इस पॉइंट पे, इस पे एक पॉइंट अज्यूम कर लेंगे M, जिसका कोऑर्डिनेट होगा H कॉमा 2H 5 माइनस 2H बाय 3, सही है ना, तो ये हो जाएगा। तो ये हो गया, तो इक्वेशन ऑफ COC, COC की इक्वेशन जो होगी वो हो जाएगी T बराबर 0, तो X X1 तो XH बाय 2 माइनस Y इनटू 5 माइनस 2H बाय 3 इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। अब इसमें से H को एक साथ कर लो, H को एक साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, X बाय 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2y by 3, ठीक है ना, प्लस प्लस 2y by 3, और बाकी जो रह जाएगा उसको एक साथ रख दो, तो कितना रह जाएगा, प्लस माइनस 5y by 3 माइनस 1 is equal to 0, ये रह गया। अब हमेशा क्या पास करेगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन से, तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन निकाल लोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 0 कर दो, तो माइनस 3 बाय 5, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें माइनस 3 बाय 5 रख दो, तो 4 बाय 5 आ जाएगा, हो गया। ऐसे भी बना सकते हो। सेकंड का, फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स ऑफ दिस ईच ऑफ व्हिच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद x एक्सिस, x एक्सिस के साथ 45 डिग्री बनाना है।
नहीं ना, मिड पॉइंट का लोकस बताना सेकंड में। क्या है सेकंड में ये ना कि कोई हाइपर बोला होगा, ठीक है, कोई भी हाइपर लग गया ना, हाँ ठीक है। ये है पर बोला कोई भी कॉर्ड ज्वाइन करो, इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना। इसको मान लो x1 y1 है, इसको m मान लो x2 y2 है। सर 2x minus 3y is equal to 0। हाँ सही है, इसको r अल्फा बीटा मान लो, ठीक है ना। आपको r पॉइंट का लोकस निकालना है। 2x minus 3y बराबर 0, मतलब 2x बराबर 3y, ठीक है। ठीक है, ठीक है ना। तो आर का इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखे? स्लोप 45 डिग्री है, तो स्लोप जो होगा वो कितना होगा? टेन 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1। और स्लोप से क्या लिखोगे तुम? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो जाएगा स्लोप, ठीक है ना। अच्छा, और दूसरी चीज कि तुमको ये भी पता है 2x1 स्क्वायर माइनस 3y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और उसके बाद 2x2 स्क्वायर माइनस 3y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन 1 इसको 2 मान लो, ठीक है ना। तो 1 माइनस 2, पहले दोनों को घटा दो, दोनों घटा दोगे तो कितना होगा? 2x1 माइनस x2 इनटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3 इनटू y1 माइनस y2 इनटू y1 प्लस y2। तो दैट इंप्लाइज क्या लिखोगे? y1 minus y2 upon x1 minus x2 is equal to, इधर कितना रहेगा? 2 into x1 plus x2 divided by 3 into y1 plus y2। तो that implies इसकी वैल्यू तो 1 है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 into 2 alpha divided by 3 into 2 beta होगा, उल्टा हो गया क्या? ये ठीक तो है, तो 2 अल्फा बराबर 2 बीटा, तो 2 2 कट जाएगा, तो दैट इंप्लाइज 2 अल्फा बराबर 3 बीटा। तो लोकस ऑफ आर इज, आर का जो लोकस होगा वो कितना हो गया? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा लोकस, आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया लोकस। अब अगला ये करो, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड
टू एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इस हाइपरबोला विच इज पैरेलल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो किसके पैरेलल होगा वो निकालना होगा. लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड टू दिस हाइपरबोला विच इज पैरेलल टू दैट लाइन. So b square x minus m square y is equal to zero. ये तो बोलना b, ठीक है सही बोलना. क्या बोले थे? b square x minus m a square y is equal to zero. हाँ ठीक है, मतलब ये डायमीटर ही होगा ना, मतलब बेसिकली एक डायमीटर है, तो वही चीज हो गया डायमीटर ऑफ हाइपरबोला. तो जो इलिप्स में था उसमें b square की जगह minus b square रख दोगे आ जाएगा. तो ऐसा है कि ये हाइपरबोला हो गया, ठीक है ना, मिड पॉइंट का लोकस निकालना ऑल पैरेलल कॉर्ड्स, ऐसे ही हो गया. तो ये एक पैरेलल कॉर्ड है जिसका स्लोप गिवन है, तो स्लोप गिवन है तो कोई भी कॉर्ड होगा, ठीक है ना, कोई भी कॉर्ड है उसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना. मान लो ये कॉर्ड ले लिया, इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना, आर को मान लो अल्फा बीटा, तो कॉर्ड विथ मिड पॉइंट की इक्वेशन क्या होगी, टी इज इक्वल टू एस वन, तो टी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू कितनी हो गया, एक्स अल्फा बाय ए स्क्वायर माइनस वाई बीटा बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर माइनस, उल्टा हो गया, अल्फा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो जाएगा. टी बराबर एस वन लिख दिया, तो स्लोप जो है इसका कितना है, एम है, और वहां से स्लोप कितना आ रहा है तुम्हारा, स्लोप आ जाएगा अल्फा बाय ए स्क्वायर इंटू बीटा बाय बी स्क्वायर. तो हो गया लोकस जो होगा अफार, तो वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एम इंटू एक्स. यही क्या कहलाएगा, डायमीटर, ठीक है ना, ये डायमीटर हो जाएगा. और सेम चीज होगा फॉर कॉन्जुगेट डायमीटर, जो इलिप्स में पढ़ा है, फॉर कॉन्जुगेट डायमीटर, कॉन्जुगेट डायमीटर समझ ना किसको बोलेंगे, जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करते हैं. कॉन्जुगेट डायमीटर्स के लिए m1 m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b स्क्वायर बाय a स्क्वायर. इलिप्स में क्या होती थी, माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाय a स्क्वायर. ये हो गया. अब आते हैं दी हो गया तुम्हारा डायमीटर, ठीक है ना, अब आते हैं एसिम्प्टोट्स पर. एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स किसको बोलते हैं,
बोलो एसिम्प्टोट्स किसको बोले ना, डेफिनेशन क्या होती है एसिम्प्टोट्स के? एसिम्प्टोट्स बोलते हैं लाइन विच ठीक है, लाइन विच इज टचेस द कर्व एट इंफिनिटी, वैसी लाइन जो कर्व पे टेंजेंट होगी कहां पर, इंफिनिटी पे, ठीक है ना? तो वैसी लाइन जो कर्व पे टेंजेंट होगी, टेंजेंट कहां पर होगा, इंफिनिटी पे होगा, तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, एसिम्प्टोट्स, ठीक है ना? ये कहला जाएगा एसिम्प्टोट्स, मतलब कर्व को टच कर रहा होगा, मतलब कर्व के ऊपर टेंजेंट होगा, लेकिन होगा कहां पे टेंजेंट, इंफिनिटी पे, ठीक है ना? तो मतलब ना इंफिनिटी पता है और ना ये, तो इसका मतलब वो लाइन जो होगी कर्व पे कहीं ना कहीं पे तो टेंजेंट होगी, ना उसको कभी कट कर रहा ना टच कर रहा, बस उसकी तरफ क्या करेगा, टेंड कर जाएगा इससे, ये होगा एसिम्प्टोटिक। और दूसरा एसिम्प्टोट जो है ऐसा जाएगा, ठीक है ना, ये दोनों एसिम्प्टोट होगा, इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है ना, एसिम्प्टोट इक्वेशंस निकालेंगे, ठीक है। तो एसिम्प्टोट्स की अगर इक्वेशन निकालनी है तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी, तो इसके लिए लेट मान लेते हैं y is equal to mx plus c b, अरे जैसे एसिम्प्टोट पढ़ा होगा ना कि जैसे e की पावर x का ग्राफ कैसा होगा, ये सर ये ग्राफ है e की पावर x का, ये log x का ऐसा ग्राफ होगा, तो ये लाइन क्या कहलाएगा उसके लिए एसिम्प्टोट, ये लाइन क्या हो गया एसिम्प्टोट, मतलब ऐसा होता है ना कि इसकी तरफ बस टेंड करेगा ऐसे करके, कभी इसको कट और टच नहीं करेगा, तो ये होता है डेफिनेशन कि लाइन विच नेवर कट्स और टच। तो कट्स और टच में दिक्कत क्या है ना कि कोई भी लाइन को बोल सकते हैं, तो वैसा होता है बेसिक डेफिनेशन जो एसिम्प्टोट की है वो ये कि लाइन विच नेवर कट्स द ग्राफ, या ऐसे बोलो कि वो लाइन जो कर्व पे टेंजेंट होगी कहाँ पे, इन्फिनिटी पे टेंजेंट होगी, एक ये, दूसरा ये बोल सकते हैं कि ऐसा कर्व, ऐसी लाइन जिसपे कर्व पे कोई पॉइंट ले लो और वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जो परपेंडिकुलर लेंथ होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, टेंड्स टू जीरो, जीरो की तरफ टेंड करना चाहिए, समझ गए ना डेफिनेशन, ये तीन टाइप से डेफिनेशन बोल सकते हैं। तो मान लिया कि ये लाइन जो है एसिम्प्टोट है, ठीक है ना, एसिम्प्टोट, लेट वाई बराबर एसिम्प्टोट टू हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये एसिम्प्टोट है, तो सॉल्व कर दो, सॉल्व लाइन एंड, हम एसिम्प्टोट की इक्वेशन निकालेंगे, तो लाइन एंड हाइपरबोला, लाइन और हाइपरबोला को सॉल्व कर दो, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई की जगह क्या रखोगे, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पर मैं कहीं पर सॉल्व किया था माइनस टू ए स्क्वायर एम सी एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा उधर, सॉरी प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो, ये बनेगा, ठीक है ना। तो अब जो होगा, अब क्या होना चाहिए, इसका जो रूट्स होना चाहिए क्या होगा, बोथ रूट्स क्या होगा इसका, इन्फिनिटी, दोनों रूट इन्फिनिटी होगा, तो दोनों रूट इन्फिनिटी की क्या कंडीशन होती है, क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा, अगर किसी क्वाड्रेटिक का दोनों रूट इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा, बोलो अगर किसी क्वाड्रेटिक का दोनों रूट इन्फिनिटी होगा तो क्या कंडीशन होती है, बोलो, क्वाड्रेटिक पढ़ा ना, हेलो, बोथ रूट्स इन्फिनिटी क्वाड्रेटिक के लिए हो गए, या क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक की क्या क्या कंडीशन होती है,
बोथ रूट्स इंफिनिटी के लिए क्या कंडीशन होती है, बोथ रूट्स अगर दोनों रूट इंफिनिटी आएगा तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी जीरो होना चाहिए एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी जो होना चाहिए जीरो होना चाहिए। हम निकाले नहीं है टेंजेंट के केस में, ये जीरो होता तो एक रूट इंफिनिटी निकालते थे ना, ठीक हो गया। तो दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू स्क्वायर एम सी बराबर जीरो, और भी एक्स नहीं आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां से क्या बोलोगे, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस b बाय a, एंड इससे क्या बोलोगे c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो, क्योंकि a और m तो जीरो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसका मतलब c जीरो होगा, c जीरो हो गया तो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स कितना आएगा, एसिम्प्टोट्स की जो इक्वेशन होगी वो आ जाएगी x by a plus y by b बराबर जीरो एंड x by a minus y by b is equal to zero। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स की जो कंबाइंड इक्वेशन आई वो हो गई x square minus a square upon y square by b square is equal to zero, ये आ जाएगी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। तो एसिम्प्टोट्स की कंबाइंड इक्वेशन, तो देखो ये होता है हाइपरबोला, जो है हाइपरबोला की इक्वेशन क्या आती है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सी की इक्वेशन क्या होगी बोलो, ये हाइपरबोला है, ये जो लिख रहे ये क्या है, सी से लिख रहे कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये होता है। और ए से लिख रहे हैं एसिम्प्टोट, ए जो है वो क्या है, एसिम्प्टोट, ठीक है ना। तो एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये होती है एसिम्प्टोट की क्वेश्चन, ठीक है ना, ये हो गया। तो इन दोनों से ये निकल के आएगा सी प्लस एच इज इक्वल टू कितना होगा, 2a, सी प्लस एच की वैल्यू क्या होगा, 2a के बराबर, ये तुमको याद रखना। मतलब हाइपरबोला कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला एंड एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स ओनली डिफर इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, इन सब में सिर्फ कॉन्स्टेंट्स का फर्क होगा, ठीक है ना। इन सब में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट का फर्क होगा। आवाज जा रही है, मतलब इन सब में जो होगा सिर्फ और सिर्फ किसका फर्क पड़ेगा, कांस्टेंट का, c plus h is equal to 2a हो गया, इन सब में जो फर्क पड़ेगा वो किसका पड़ेगा, कांस्टेंट का, ठीक है ना, सिर्फ कांस्टेंट टर्म का फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कहेंगे एंगल बिटवीन asymptotes, angle between asymptotes to hyperbola x square by a square minus y square by b square is equal to 1, ये hyperbola है, इसके बीच का angle क्या होगा बोलो, angle तो बता सकते हो ना, slope मालूम है, angle निकाल लो, एंगल कितना होगा, निकालो एंगल, एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स, दोनों एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल,
90 नहीं होगा, एसिम्प्टोट्स आपस में परपेंडिकुलर नहीं होगा ना, स्लोप कितना आया, प्लस माइनस बी बाय आया ना, यानी कि अगर हम इसका स्लोप लिखोगे तो इसका हो जाएगा माइनस बी बाय, तो इसका जो स्लोप होगा वो हो जाएगा बी बाय, तो प्रोडक्ट माइनस वन नहीं आएगा ना, इसलिए एंगल अगर दोनों एसिम्प्टोट्स के बीच में बोले तो क्या होगा, अगर एसिम्प्टोट्स के सिंपल सा है, पता है इस दोनों के बीच का एंगल अगर हम मान लेते हैं कि 2 थीटा है, ठीक है ना, और इसके बीच का एंगल 2 थीटा, तो तुम ये लिखोगे ना कि मान लेते हैं कि एंगल जो है, इफ एंगल बराबर 2 थीटा, ठीक है ना, तो क्या होगी वैल्यू बताना, हाँ तो एंगल कितना होगा, देन टेन टू थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बोल अगर दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा मान लिया तो टेन टू थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये जो है यहाँ पर ना स्लोप मालूम है ना दोनों का, प्लस बी बाय माइनस बी बाय, तो क्या होगा बी बाय एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू होता है ना, तो बी बाय प्लस बी बाय अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, तो नीचे कितना होगा बी स्क्वायर बाय स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, है ना, और भी आसानी से तो लिख देते हैं हम, लिख रहे हैं जो ये होगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये बताना, ये चीज समझे, टेन टू थीटा दोनों के बीच का एंगल, स्लोप पता है ना माइनस बी बाय और बी बाय, एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू किया, यस तो ये कितना होगा सॉल्व करके बताओ ना, ऊपर चला जाएगा टू ए बी, ठीक है ना, और नीचे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी ए स्क्वायर माइनस, अब इसको नीचे वाली को कुछ लिखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो एक रिजल्ट ऐसा आ रहा है, ठीक है ना, अब बाकी जो एंगल होगा ना वो एंगल ये लिखना, एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स के बीच का जो एंगल होगा वो आ जाएगा तुम्हारा बेसिकली ये होगा 2 tan inverse b/, ये होगा, ये कैसे, ये इस तरह से देखो, एक एंगल थीटा है तो भाई ये एंगल भी तो थीटा होगा और ये वाला एंगल भी तो थीटा होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी क्या होगा थीटा होगा, ठीक है ना, तो इसलिए एक का स्लोप ही तो निकल जाएगा, नहीं एक का स्लोप ही निकल जाएगा ना, yes, जैसे मान मैंने उस साइड वाले एक्सिस एंगल को, सॉरी उस एंगल को थीटा ले लिया, अगर इस एंगल को थीटा लेते ना तो दिखाना जैसा आसान रहता, रुक जा ये सब तो ये होगा,
मान लो कि ये पूरा एंगल 2 थीटा लिया, तो ये एंगल थीटा और ये एंगल भी तो थीटा होगा, होगा? तो भाई इस लाइन का स्लोप कितना है? b by a है, तो यही वैल्यू tan थीटा के बराबर नहीं आ जाएगी, तो 2 tan थीटा ही तो लिखना है तुमको, 2 tan थीटा इसका डबल हो गया, ठीक है? समझ में आया? यस, उससे चलेगा, और ये हो गया। अब यहाँ से अगर ये तो हो गया तुम्हारा देश, ठीक है ना? अच्छा, अगर हम sec थीटा रूट वन प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर होता है टेन थीटा, यस ई हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई इसेंट्रिसिटी हो जाएगी, ठीक है ना? तो इतना रिजल्ट है। अब ये क्वेश्चन करो, पहले फाइंड द कॉन्जुगेट हाइपरबोला, फाइंड द कॉन्जुगेट हाइपरबोला टू दिस हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस वन बराबर जीरो, ये कोई हाइपरबोला है? इसका कॉन्जुगेट तुमको बताना क्या होगा। मैं तुमसे कॉन्जुगेट हाइपरबोला पूछ रहा हूँ, इस हाइपरबोला का कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होगा, ये वैल्यू बताइए। कैसे बताएंगे, मेथड बताओ फिर। कैसे कैसे निकालेंगे, मेथड बताओ। एसिम्प्टोट निकाल के सर, फिर रिलेशन में एस्टैब्लिश कर देंगे। कैसे सर? एसिम्प्टोट तो कांस्टेंट में सिर्फ डिफर करता है ना, तो कोई भी वेरिएबल लेट करके फिर पेयर ऑफ इक्वेशंस निकाल कर, और निकालो। सही बोल रहा,
देखो फॉर एनी हाइपरबोला, किसी भी हाइपरबोला के लिए, फॉर एनी हाइपरबोला एसिम्प्टोट कॉन्जुगेट हाइपरबोला एंड हाइपरबोला, ठीक है ना, डिफर ओनली इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, सिर्फ कॉन्स्टेंट के टर्म्स पे डिफर करेगा, ठीक है ना। तो ये सब जो डिफर करेगा सिर्फ और सिर्फ किसके टर्म्स पे डिफर करता है, कॉन्स्टेंट पे। तो एसिम्प्टोट जो होगा, मान लेते हैं एसिम्प्टोट, ठीक है ना, एसिम्प्टोट मान लो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस माइनस थ्री वाई माइनस वन। तो वन नहीं लेगा यहाँ पर, है ना, इसकी जगह क्या लेंगे, के के इज इक्वल टू जीरो। ये क्या होगा, इस हाइपरबोला का एसिम्प्टोट, ठीक है ना, इस हाइपरबोला का एसिम्प्टोट होगा, ये हो जाएगा इस हाइपरबोला का एसिम्प्टोट हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद ये जो एसिम्प्टोट होगा, ये एसिम्प्टोट क्या होगा, जब एसिम्प्टोट है ये, तो दिस इज पेयर ऑफ लाइंस, एसिम्प्टोट जो बनेगा तुम्हारा वो क्या होगा, एक पेयर ऑफ लाइंस होगी। तो इसका डेल क्या होना चाहिए, जीरो, है ना, तो डेल जीरो कर दो। तो डेल क्या होता है, बोलो, ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ, है ना, ए बी सी डी डी ई एफ, एफ एफ जी जी एच एच, दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो डेट इम्प्लाइज ये कितना बनेगा, ए की वैल्यू वन है, एच की वैल्यू टू है, और जी की वैल्यू कितनी है, कहाँ चला गया ऊपर लाइन, जी की वैल्यू कितनी है, वन है, उसके बाद यहाँ भी वन हो जाएगा, एच की वैल्यू टू है, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस वन है, है ना, और एफ की वैल्यू कितनी है, माइनस थ्री बाय टू, एफ की वैल्यू माइनस थ्री बाय टू, इसकी वैल्यू सी है, सी की जगह के है, मतलब के है ये, हो गया ये, दैट इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व किए को है, बोलो इसको बाइनोमियल से डायरेक्ट एक्सपेंड कर दे रहे हैं, ठीक है ना, माइनस के और इधर कितना हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस, माइनस के माइनस नाइन बाय फोर माइनस टू इनटू दिस दिस हट जाएगा, टू के हो जाएगा, ठीक है ना, दिस दिस टू के, टू के दिस दिस, तो प्लस थ्री बाय टू प्लस वन दिस दिस हट जाएगा, माइनस थ्री प्लस वन हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा। तो माइनस के माइनस फोर के माइनस फाइव के, इधर से आ गया माइनस नाइन बाय फोर माइनस थ्री, और इधर से कितना होगा, माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ रही, कितना हो जाएगा, तीन दो छब्बीस, है ना, तीन दो छह चौबीस, चौबीस और नौ बोलो तो के निकाले हो, ठीक है ना, ये तो सही है ना, माइनस टू इसको लिया, अच्छा लगा माइनस इसके लिया, तो ये हो जाएगा टू के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री बाय टू, वन लोग तो ऐसे लिख रहे हैं ना, जैसे एक्सपेंशन में लिखा था वन, तो ये हट जाएगा, तो माइनस थ्री हो जाएगा, टू टू कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस टू लिख दिया, और ये हो जाएगा माइनस फोर के, और माइनस के माइनस फाइव के, माइनस नाइन बाय फोर और माइनस थ्री, ठीक है, तो तीन दो पांच बीस नौ उन्तीस, तो उन्तीस होगा माइनस प्लस, तो के की वैल्यू हो जाएगी माइनस ट्वेंटी नाइन बाय फोर, ये आ गया के की वैल्यू, फोर बाय
20 हो जाएगा, ये k की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। 9, अब तुमको ये पता है कि c plus h की वैल्यू कितनी होगी, 2a। c plus h की वैल्यू क्या होगी, 2a। तो c का कोई कांस्टेंट मान लो, c है कॉन्जुगेट का, हाइपरबोला का कांस्टेंट कितना, -1 है, दैट विल बी इक्वल टू 2 इनटू -29/20। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना होगा बताना, 19 होगी वो आ जाएगी x square plus 4xy -y² + 2x - 3y - 19/10 is equal to 0। ये आ जाएगा, समझ गए। ये मेथड होगा किसी भी हाइपरबोला का, कॉन्जुगेट हाइपरबोला या हाइपरबोला निकालने के लिए ये रिलेशन यूज करना है, c plus h is equal to 2a। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन मान लो ये पूछ लिया, फाइंड, एक तो ये करो एसिम्प्टोट ऑफ xy - 3y - 2x = 0, इसका एसिम्प्टोट निकालो। और थर्ड करना, थर्ड में ये एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला having center 1, 2 are parallel to 2x + 3y = 0 and 3x + 2y = 0. If hyperbola passes from 5, 3 find its equation, तुमको equation बताना, ठीक है ना। हम लिख देते हैं in terms of L1 into L2 बराबर constant, इस term में निकालना है, ठीक है ना, जहाँ के L1 L2 line है, इस term में निकालना, निकालो दोनों। सर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 5, 3 5, 3 passes through 5, 3 हो गया। हाइपरबोला में कुछ नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अभी पढ़ाएंगे तो ऊपर वाले का कॉपी है सीधे, कोऑर्डिनेट लगभग खत्म ही हो गया।
एक्स वाई माइनस थ्री वाई माइनस टू एक्स प्लस सिक्स। ठीक है, उसको फैक्टराइज कर दो। सेकंड में जो है क्या कह रहे हैं कि ये निकालना है, मतलब तो सेकंड के लिए हाइपरबोला सिर्फ कांस्टेंट टर्म में लिखाता है, तो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स का जो पेयर होगा वो कैसे लिखोगे, एक्स वाई एक्स वाई माइनस थ्री वाई, एक्स वाई माइनस थ्री वाई माइनस टू एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो, कॉन्स्टेंट एड हो जाएगा। ठीक है ना, अब इक्वेशन और ये अबव इक्वेशन जो है, अबव इक्वेशन इज, अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा, पेयर ऑफ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो डेट इम्प्लाइज डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है ना, तो डेल जीरो होगा, तो डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो डेट इम्प्लाइज ए बी सी जीरो प्लस टू एफ जी एच, टू एफ की वैल्यू कितनी है माइनस थ्री बाय टू, जी की वैल्यू कितनी है माइनस वन, इंटू एच की वैल्यू है हाफ, टू एफ जी एच हो गया, उसके बाद माइनस जीरो जीरो माइनस सी एच स्क्वायर के, एच की वैल्यू है हाफ, हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो डेट इम्प्लाइज के की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकालना, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। ठीक है ना, एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन क्या हो गई, एक्स वाई माइनस थ्री वाई माइनस टू एक्स प्लस, दो दो कट जाएगा, दो दो चार, तीन दो छह, छह आ रहा, टू वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया, और क्या या जाएगा, इसी को अगर फैक्टराइज कर लो तो हो जाएगा, फैक्टराइज कर दो, x कॉमन ले लो, नहीं y कॉमन आएगा, सॉरी इससे y कॉमन ले लो तो बच जाएगा x माइनस थ्री, इधर से माइनस टू कॉमन ले लो, x माइनस थ्री बराबर जीरो, डेट इम्प्लाइज x माइनस थ्री बराबर जीरो एंड y माइनस टू बराबर जीरो, ये दोनों लाइंस आ जाएंगे, हो गया आंसर। सेकंड बनो, दादू दादू को
फॉर्म क्या आएगा? जल्दी बोलो। देखो इसमें क्या होगा कि एसिम्प्टोट्स क्या मानोगे, लेट एसिम्प्टोट्स बी, कह रहा कि सेंटर पता है और कह रहा कि इन दोनों के पैरेलल है, ठीक है ना, तो दोनों के पैरेलल है तो एसिम्प्टोट्स मानना क्यों पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स विल बी, क्या हो जाएगी इक्वेशन एसिम्प्टोट्स के, 2x + 3y, है ना, और पास करा दो 1, 2 से तो 8 हो जाएगा, तो -8 = 0 एंड दूसरा क्या होगा इसके पैरेलल 3x + 2y और पास कहां से करेगा 1, 2 से, तो 4 × 3 = 7 होगा, तो -7 = 0, ये दोनों एसिम्प्टोट्स निकल गया, एसिम्प्टोट्स आ गया, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो जो हाइपरबोला की इक्वेशन होगी, हाइपरबोला की इक्वेशन कितनी आ जाएगी, 2x + 3y - 8 × 3x + 2y - 7 + λ = 0, ठीक है ना, तो इसी फॉर्म में पूछ रहा है L1 + L2 = 0, बस हो गया। उसके बाद फिर हाइपरबोला पासेस फ्रॉम क्या दिया हुआ 5, 3 ना, 5, 3 से पास कर रहा, तो 5, 3 से पास कर रहा तो सेटिस्फाई करा दो, 10 + 9 - 8 × 5 = 15 और 15 + 6 = 7 + λ = 0, तो डेट इम्प्लाइज लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 - 8 = 2, 2 × 9 = 11, 11 × 15 = 7 तो 8, 8 = 14, 140 और इतना माइनस में आ रहा है -154, ये आ जाएगा लेमडा की वैल्यू, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स ये क्या निकालना था, हाइपरबोला, इसलिए इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विल बी, जो हाइपरबोला है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x + 3y - 8 × 3x + 2y - 7 - 154 = 154, इस फॉर्म में होगा, मतलब ऑप्शंस इस फॉर्म में होंगे मेनली, फिर ना तो ये हो जाएगा, इसको और सॉल्व नहीं करना, इसी फॉर्म में आंसर रहेगा, हो गया तुम्हारे एसिम्प्टोट्स और इसमें रिलेशन, इस रिलेशन से निकाल लेंगे, ठीक है ना, समझे, एसिम्प्टोट की इक्वेशन डायरेक्ट निकल गई और उससे हाइपरबोला लिख दिया, सिर्फ कांस्टेंट का फर्क पड़ेगा, कांस्टेंट के फर्क से लिख दिया, ठीक है ना, और उसके बाद सॉल्व कर दिया। अब आते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसको बोलते हैं,
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हैविंग परपेंडिकुलर हाइपरबोला हैविंग परपेंडिकुलर एसिम्प्टोट्स हाइपरबोला हैविंग परपेंडिकुलर एसिम्प्टोट्स होगा हाइपरबोला हैविंग परपेंडिकुलर एसिम्प्टोट्स वैसा हाइपरबोला जिसका एसिम्प्टोट्स जो होगा वो क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए वो क्या कहलाएगा तुम्हारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हाइपरबोला हैविंग परपेंडिकुलर एसिम्प्टोट्स ठीक है ना तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल जो होता है तुम्हारा वो कितना होता है दोनों एसिम्प्टोट के बीच में 2 tan इनवर्स b / परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू 5/2 तो दैट इंप्लाइज b इज इक्वल टू a तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए b और a बराबर होगा ठीक है ना तो इसलिए x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ये होगा तुम्हारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होता है ना और इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कितनी होगी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी होगी रूट टू इज ऑलवेज रूट टू ठीक है ना कोई भी अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा तो इसेंट्रिसिटी इसकी हमेशा क्या होगी रूट टू ठीक है ना क्योंकि अगर e की वैल्यू बात करें तो e की बात अगर करेंगे तो डेट इम्प्लाइज e की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट वन प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर और क्योंकि a और b बराबर है तो दूसरा वैल्यू भी वन हो जाएगा तो वन प्लस वन टू हो गया तो यानी e की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट टू ठीक है ना तो किसी भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी क्या होगा रूट टू चाहे कोई भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसेंट्रिसिटी हमेशा क्या होगा रूट टू ठीक है ना देख लो इसको अभी कह रहा व्हेन सेंटर ऑफ when center of any rectangular hyperbola is at origin center jo uska kya hai origin hai and its asymptote theek hai na asymptote coincides with coordinate axis अगर उसका coordinate axis से coincide कर जाए coordinate axis then equation of rectangular hyperbola will be equation of rectangular hyperbola will be इसकी जो इक्वेशन होगी वो आ जाएगी एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर ठीक है एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर होगा ठीक है ना तो एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर होगा तो वो हाइपरबोला कैसा होगा yes. ये अगर राइट साइड पॉजिटिव होगा अगर सी स्क्वायर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वो फर्स्ट और थर्ड में चला जाएगा अगर इसकी वैल्यू निगेटिव होगी तो इसमें और इसमें चला जाएगा ठीक है ना फिर ऐसा होगा ऐसा और ऐसा समझे तो ये हाइपरबोला होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर ठीक है ना वो लाते कैसे हैं इसके डेरिवेशन ऐसे करते हैं हम डेरिवेशन नहीं करा रहे कोई जरूरत नहीं है जैसे ये हाइपरबोला है ठीक है ना ये इसका एसिम्प्टोट है ये और ये हम क्या करें इसी को रोटेट करा दिया इसे को 45 डिग्री से रोटेट करा दो क्योंकि जब अगर तुम बोल रहे कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो ये एंगल 45 होगा है ना क्योंकि टोटल 90 है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है इसको रोटेट करा दो तो ये इधर चला जाएगा ये वाली लाइन इधर चली जाएगी ये लाइन इधर आ जाएगी तो ये दोनों एक्सिस बन गए ये दोनों एक्सिस बन गया इसको जब ऊपर ले जा रहे हो तो ये हाइपरबोला ऐसे चला जाएगा इसको नीचे ला रहे हो तो ये ऐसे आ जाएगा हो गया यही तो वो आएगा इक्वेशन इसकी बन जाएगी एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अब इसमें सारी चीजें अगर हम लिखे तो जैसे ये होगा, ये हाइपरबोला, ठीक है ना, ये हाइपरबोला हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ये क्या होगा इसके एक्सिस हो जाएगा टीए, ये टीए होगा, और ये जो इधर से जाएगा ये क्या होगा कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है ना, इतना ठीक है, ये ओरिजिन होगा। अच्छा ये वाला एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है ना, तो वर्टेक्स क्या होगा इसका, ये होगा वर्टेक्स, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बोलो जल्दी जल्दी बोलो, जब हम लिख रहे हैं सारी चीजें इस हाइपरबोला के लिए, इसकी इक्वेशन एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर है, सबसे पहले तो ये बता दो इसेंट्रिसिटी, ठीक है ना, फिर एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल वंगल तो 90 होगा, सब पता है, एसिम्प्टोट्स क्या होगा, इसके लिए सेंटर क्या होगा, इसके लिए वर्टेक्स बताइए, वर्टेक्स क्या होगा, ठीक है ना, उसके बाद फोकाई बताओ, फोकाई क्या होगा, एल आर की लेंथ बता दो, एल आर लिख रहे तो मतलब लेंथ ऑफ एल आर ही है, ठीक है ना, ऑक्सिलरी सर्कल बता दो, ऑक्सिलरी सर्कल बता दो, डायरेक्टर सर्कल बता दो, डायरेक्टर सर्कल बता दो, उसका डायरेक्ट्रिसेस बता दो, एंड्स ऑफ एलआर भी बताएगा, हो गया, इतनी सारी चीजें बताओ इस हाइपरबोला के लिए, जल्दी जल्दी, बोलो अच्छा एक चीज हम बता रहे हैं, बिना उसके नहीं बना पाऊंगा, ये जो है सी स्क्वायर है ना, इस सी स्क्वायर की वैल्यू होगी ए स्क्वायर बाय टू, ये अब बता दो सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर बाय टू होगा, तो रिसेंट्रिसिटी तो रूट टू हो जाएगा, है ना, एसिम्प्टोट्स क्या होगा, ये कैसे होगा ना, प्रूफ भी कर ही देंगे बाद में, एसिम्प्टोट क्या होगा, एक्स बराबर जीरो वाई बराबर जीरो, सेंटर क्या होगा, सेंटर जीरो जीरो होगा, वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स वर्टेक्स सेंटर जीरो जीरो होगा, वर्टेक्स क्या होगा, तो वर्टेक्स के लिए देखो ये वाली लेंथ जो होगा ना ए के बराबर होगी, ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू कितना है, रूट टू सी है, रूट टू सी है, ए बराबर रूट टू सी है, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओरिजिन से 45 यूनिट बाद उधर लिख दो, कितने यूनिट बाद, रूट टू सी यूनिट बाद, रूट टू सी इंटू कॉस 45 डिग्री, वन बाय रूट टू प्लस माइनस, और इधर भी हो जाएगा रूट टू सी इंटू वन बाय रूट टू प्लस माइनस, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा वर्टेक्स का, ठीक है ना, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा सी कॉमा सी एंड
माइनस सी कॉमा माइनस सी, समझ में आया? अब यहाँ पर होगा फोकस S1, इधर होगा S2, तो भाई S1 से S2 के बीच की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? A ही होती है, A की वैल्यू मतलब रूट टू है, और A की वैल्यू रूट टू, तो 2c हो जाएगा, 2c हो जाएगा, तो फोकाई कितना होगा? प्लस माइनस 2c इनटू 1 बाय रूट टू, प्लस माइनस 2c इनटू 1 बाय रूट टू, तो फोकाई का कोऑर्डिनेट कितना आ गया? रूट टू सी कॉमा रूट टू सी एंड माइनस रूट टू सी माइनस रूट टू सी, ठीक है? एल आर की लेंथ टू, बी स्क्वायर बाय ए होता है ना, ए भी बराबर है, तो डेट विल इज इक्वल टू टू ए होगा, टू रूट टू सी, ठीक है? याद नहीं रखना है तुमको, जो याद रखना है ना वो बस ये चीज ध्यान रखोगे तो सब निकल जाएगा, ए बराबर रूट टू सी, ये चीज उसी से सब लिख रहे हैं, ठीक है ना? ऑक्सिलरी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और ए की जगह क्या लिखोगे? रूट टू सी का होल स्क्वायर, ठीक है? डायरेक्टर सर्कल बोलो, डायरेक्टर सर्कल जैसे इसमें जो है ना, सॉरी इस वाले में तुम आएगा टू बी, अब बी जो है ए के बराबर है ना, तो बी ए सब बराबर है क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपर बोला है तो सब तो बराबर होगा, तो लिखा हाँ डायरेक्टर सर्कल, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, हाँ बोलो, डायरेक्टर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीरो नहीं होगा, है ना? देखा था डायरेक्टर से क्या होगा, जल्दी बोलो, इसका स्लोप कितना है? वन है, तो इसका स्लोप कितना होगा? माइनस वन, और ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट कितना होगा? ए बाई कॉमा जीरो, तो ए की वैल्यू रूट टू सी, तो सी कॉमा जीरो हो जाएगा, ई की वैल्यू रूट टू है तो, है ना? स्लोप पता, पॉइंट पता, पास करा दो, स्लोप माइनस वन, स्लोप क्या चाहिए? माइनस वन, तो माइनस वन स्लोप की इक्वेशन एक्स प्लस वाई माइनस सी बराबर जीरो, और दूसरा क्या होगा? एक्चुअली ये उल्टा हो रहा, सॉरी, वो तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे होता है ना, उसको तो रोटेट करा दिया मैंने, सॉरी, हाँ ये जो कोऑर्डिनेट होता ना, ये कोऑर्डिनेट होता, ये वाली लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ की लेंथ? ए बाई है, और ए बाई का कोऑर्डिनेट कितना होगा? सी, सी के बराबर, ठीक है ना? तो ओरिजिन से सी यूनिट बाद कोऑर्डिनेट लिखो, ओरिजिन से सी यूनिट बाद कोऑर्डिनेट लिखो, तब जो ये जो बनेगा पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? सी यूनिट बाद लिख रहे हैं, तो सी यूनिट बाद कितना होगा? सी बाय रूट टू, और सी बाय रूट टू ये होगा, समझ ना? तो डायरेक्ट इसकी इक्वेशन क्या होगी? एक्स प्लस वाई माइनस सी सी टू रूट टू, तो टू रूट टू, तो रूट टू सी हो जाएगा, रूट टू सी बराबर जीरो, और दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस हो जाएगा रूट टू सी बराबर जीरो, ये हो जाएगा डायरेक्टर्स। एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम का एंड्स क्या होगा? एंड्स ऑफ एलआर, चल रहा ठीक है, एंड्स ऑफ एलआर क्या होगा? लैटस रेक्टम का एंड पॉइंट, अलग ये सब जरूरत नहीं पड़ती, बताइए इतने एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर उलर की नहीं पड़ेगी। एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर कितना हो जाएगा? एलआर का एंड पॉइंट ऐसे निकालोगे, देखो
ये लाइन होगी और मान लो फोकस यहाँ पर है, ठीक है ना, तो S2 का कोऑर्डिनेट क्या है, फोकस का, फोकस का कोऑर्डिनेट कितना है, फोकस का रूट टू सी इस बार, ठीक है ना, रूट टू सी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज सेम नहीं रहेगा, पता है, तो सेम नहीं रहेगा ना, तुमको निकालना पड़ेगा ज्यादा करके, क्योंकि अब ये इधर से परपेंडिकुलर जा रहा है, तो क्या करोगे इस लाइन पे, इस पॉइंट से इस लाइन पे, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना होगा, माइनस वन, इस पॉइंट से इस लाइन पे इतना यूनिट बाद कोऑर्डिनेट लिख दो, तो लिखना ना तो ऐसा आ जाएगा रूट टू प्लस वन सी, और दूसरा आएगा रूट टू माइनस वन इंटू सी, ये आ जाएगा, बस ये सारी चीजें होगी इसमें, ठीक है ना, हो जाएगा इस हाइपरबोला के लिए सारी चीजें, ठीक है, ठीक है, फिर चले नरेंद्र, तो बाकी फिर कल करेंगे, कल खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में सारी चीजें ऊपर वाला यूज होते जाएगा, जो एसिम्प्टोट तक था वो बता दिया, एक बार बनाओगे बुकलेट और फिर सर कोनिक सेक्शन का, ठीक है फिर चलो, कल कल खत्म हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में कौन सा स्टार्ट करेंगे, अब नया चैप्टर जो बोलो, नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे, कौन सा, दो ही तो बच रहा है ना शायद, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर, यस, और कॉम्प्लेक्स नंबर बचा है और एक बाइनोमियल बचा, बस ये दो ही बचा है ना, पीएमआई प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको तो बाइनोमियल के साथ करा देंगे, बाइनोमियल बाइनोमियल के साथ कराएंगे, ठीक है ना, हाँ, एफ नॉट का पीएनसी बचा है, तो खत्म हो गया, पहले आएगा उसको करा दीजिए, ये चैप्टर फालतू है, इसमें कुछ करना ही नहीं है पीएमआई में, पता है, इसमें तुम बनाओगे कैसे, ये एक क्लास का काम है, पीएमआई में मान लेते हैं ट्रू है उसका प्रूफ कर देना, तो ये चैप्टर तुम बता रहे हो, एक क्लास में हो जाएगा, करा देंगे हम इसको, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बाइनोमियल तो दिसंबर तो खत्म हो जाएगा कोर्स, लेकिन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, डिस्कशन जो है ना वो कराना है, बुकलेट का बनाओगे क्वेश्चन, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स शुरू करेंगे पहले, ठीक है सर, ठीक है फिर चलो, कॉम्प्लेक्स का पीडीएफ भेजवा दीजिएगा सर, हाँ वो तो कल के बाद होगा, नेक्स्ट वीक में शुरू होगा, भेजवा दूंगा, ठीक है चलो।